हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द गुजराती चेस जोन। ओपनिंग ट्रैप्स के बारे में हम लोग देख रहे हैं अभी कंटिन्यूस। आज से मैं आपको अनयूजुअल ओपनिंग्स के बारे में भी बताऊंगा। जैसे कि बिगिनर्स लेवल में आपको मैंने पहले भी बताया था कि F6 ट्रैप बहुत ही फेमस ट्रैप है, उसी ट्रैप में हम डीप में देखेंगे आज E4, E5, नाइट F3, F6। हालांकि यहाँ ब्लैक की मिस्टेक ही है बहुत बड़ी। आफ्टर नाइट सेक्रीफाइस F takes E5। अब यहां पे दो वेरिएशन है, व्हाइट दोनों तरीके से जीत सकता है, क्योंकि अगर ब्लैक ने ये सेक्रीफाइस एक्सेप्ट कर लिया तो क्लियरली व्हाइट टू प्लेन विन। जैसे समझ लो एक पजल ही है, क्वीन H5 चेक, G6 अगर किया इंटरपोज तो डबल अटैक से आपको रुक मिलता है और यहां पे क्लियरली व्हाइट प्लस है। ओके, G6 के बदले अगर किंग E7 जाता है, एक ही ऑप्शन है दूसरा, तो यहां पे चेकमेट होगी, कंटिन्यूस चेक आएंगे। क्वीन E5 चेक, किंग F7, बिशप C4 चेक, किंग G6, देन क्वीन F5 चेक, किंग H6, D3 डबल चेक, डिस्कवर चेक। अब फोर्स मूव है G5, आफ्टर H4 यहाँ पे देखो बिशप और क्वीन और पॉन तीन तीन अटैक है और ओनली टू सपोर्ट है, तो बिशप सपोर्ट करने आएगा और यहाँ पे पॉन टेक्स बिशप डबल चेक, किंग G7 फोर्स मूव और क्वीन F7 चेक में। अब इसी ट्रैप में कई बार व्हाइट वाला भी फंस जाता है, वो कैसे फंसता है वो मैं बताऊंगा आपको। पर व्हाइट को ब्लैक को क्या करना है यहां पे, इस मूव में ब्लैक को जो सेक्रीफाइस है वो एक्सेप्ट नहीं करना है, तो ब्लैक यहां पे खेलेगा क्वीन E7। क्वीन E7 के बाद ध्यान रखिए यहां पे देखो ब्लैक को जो नाइट पे अटैक है, अगर नाइट हटाता है तो पॉन चेक के साथ पॉन जो दिया हुआ है वापस मिल जाता है और गेम ब्लैक की फेवर में थोड़ी पोजिशनल अप हो जाती है, गेम इक्वल हो जाती है, लेकिन ब्लैक की फेवर में गेम आ जाती है। यहां पे अगर क्वीन H5 चेक दिया तो ये बहुत ही बैड मूव है, क्योंकि आफ्टर G6 अब देखो व्हाइट के दो दो पीस अटैक में है, पॉन से क्वीन और पॉन से नाइट। नेचुरल मूव है नाइट इंटू G6, लेकिन क्वीन E4 चेक के बाद आपको पूरा पीस मिलता है। अगर बिशप E2 करता है तो क्वीन टेक्स नाइट और यहां पे अगर व्हाइट क्वीन इंटरपोज करता है, आपकी क्वीन को पिन करता है, तब भी आपको पीस मिल जाएगा, जैसे क्वीन टेक्स क्वीन, बिशप टेक्स क्वीन और पॉन टेक्स नाइट, तो ये कंप्लीटली ब्लैक की विनिंग गेम हो जाएगी। तो ये ट्रैप दोस्तों F6 ट्रैप कई बार हम जानबूझ के ब्लैक से खेल सकते हैं, जैसे व्हाइट ने प्रिपेयर किया है कि आपकी चेकमेट करने का प्लान या रुक लेने का प्लान, लेकिन वो सारे प्लान फ्लॉप हो जाते हैं। चलिए दूसरी ट्रैप देखते हैं दोस्तों। इस लाइन को डोमियानो डिफेंस कहते हैं, डोमियानो डिफेंस। एक बहुत सारे ट्रैप्स है इसमें भी, E4, E5, NF3, F6 के बारे में सबसे फेमस ट्रैप जो है वो मैंने पहले आपको बता दी, नाइट इंटू E5, F into E5, क्वीन H4 चेक। यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है, किंग E7, क्वीन टेक्स E5, किंग F7, Bc4 चेक। अब कई लोग की क्वेश्चन है कि यहाँ पे सर D5 हो सकता है ब्लैक से, तो D5 पॉसिबल है, लेकिन D5 के बाद बिशप टेक्स D5 चेक, किंग के पास ओनली ऑप्शन है किंग G6, उसके बाद H4। अब H5 चेक और D3 डिस्कवर चेकमेट की थ्रेट है। यहाँ पे अगर ब्लैक ने H5 स्टॉप करने के लिए H6 खेला तो यहां भी आपको सिंपल विनिंग मूव है बिशप इंटू B7, सेक्रीफाइस द बिशप। देखिए यहाँ पे बिशप ने F4 स्क्वायर जो है वो कंट्रोल किया था, लेकिन आफ्टर बिशप B7 अगर बिशप यहाँ से डिकॉय होता है तो आप सिंपल क्वीन इंटू F5 चेकमेट करते हो, अगर वो बिशप नहीं मूव करता है तो नेक्स्ट मूव में आपको रुक पे भी अटैक, तो सिंपल क्लियर एक्सचेंज अप हो जाता है। तो ये थी थर्ड ट्रैप डोमियानो डिफेंस में, और भी बहुत सारी ट्रैप्स है, मैं दिखाता हूँ आपको। ओके दोस्तों, यहाँ पे एक और भी ट्रैप मैं आपको बताऊंगा,
Nf3 f6 knight takes pawn takes queen check king e7 after queen takes e5 king f7 bishop check d5 bishop takes d5 king d6 और उसके बाद एक मूव चेंज है यहाँ पे। अगर व्हाइट ने मान लो कि h4 के बदले व्हाइट ने d4 किया तो यहाँ पे ब्लैक के पास विनिंग चांसेस है। क्या विनिंग चांसेस है मैं बताता हूँ आपको, बिशप d6। अब देखो क्वीन को कोई भी स्क्वायर नहीं है यहाँ पे, बिशप टेक्स b7 भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि बिशप टेक्स b7 के बाद ब्लैक सिंपली क्वीन कैप्चर कर लेगा और क्वीन को यहाँ पे कोई भी जगह नहीं है बचने की, क्वीन के पास कोई स्कोप नहीं है, चेक भी नहीं आ रहा है और क्वीन g3 से भी बिशप टेक्स क्वीन ट्रैप हो रही है। तो यहाँ पे ब्लैक को एक पीस का फायदा होगा जो शुरुआत में बिशप सेक्रीफाइस करके व्हाइट अपनी क्वीन बचा सकता है क्वीन के लिए जगह बना के, और यहाँ पे क्वीन टेक्स f7 और क्वीन यहाँ पे बचा सकता है। लेकिन कंपेंसेशन क्या है, 3 पॉन वर्सेस माइनर पीसेस इन ओपनिंग, ये ज्यादा अच्छा नहीं है व्हाइट के लिए। तो ये गेम पूरी ब्लैक के हाथ में हो जाएगी क्योंकि कुछ ही देर में ब्लैक सारे पीसेस डेवलप कर लेगा और गेम में 20 प्लस से आराम से गेम जीत सकता है। नेक्स्ट ट्रैप देखते हैं। ओके दोस्तों, अब मैं आपको बताऊंगा लेटविन काउंटर गैम्बिट की ट्रैप्स। व्हाट इज द लेटविन काउंटर गैम्बिट? e4, e5, knight f3, f5 ये ब्लैक से खेली जाती है। यहाँ पे knight into e5, queen f6, उसके बाद व्हाइट खेलता है knight c4, then pawn takes pawn और knight c3, queen f7, then knight into e5। पहली ट्रैप है knight takes pawn, व्हाइट अगर ट्रैप ये ले लेता है तो d5 और सिंपल पॉन से नाइट पे अटैक, नाइट e5 आता है तो क्वीन e6। अगर व्हाइट चेक देता है क्वीन h5 से तो g6 सिंपल, आफ्टर नाइट टेक्स g6 ब्लैक को दोनों नाइट मिल जाएंगे, क्वीन टेक्स e4 चेक और बिशप e2 क्वीन इनटू सॉरी नाइट f6 डिस्कवर चेक की जो थ्रेट थी क्वीन के, क्वीन को यहाँ से रिमूव करके सिंपल आप पीस प्लस होके खेल सकते हो। यहाँ पे देखो ब्लैक कंप्लीटली माइनर पीस अप है, नाइट अप है तो आराम से गेम जीत सकता है। दूसरी ट्रैप दिखाते हैं हम यहाँ पे लेटविन में। अगर व्हाइट ने नाइट इन टू e4 नहीं किया और यहाँ पे व्हाइट खेलता है d5, यहाँ पे अगर व्हाइट d4 खेलता है तो क्या होता है, d4 यानी डायरेक्टली हम सेंटर पे चैलेंज करते हैं, d5 काउंटर अटैक आफ्टर नाइट e5 ब्लैक कैन सिंपली क्वीन e6 आफ्टर क्वीन चेक g6 नाइट इंटू g6। दोस्तों यहाँ पे क्या होगा, पॉन टेक्स तो नाइट पॉसिबल नहीं है, क्वीन टेक्स नाइट फोर्स मूव है, यहाँ पे क्वीन e5 चेक, यहाँ पे व्हाइट जीत सकता है क्योंकि डबल अटैक है रुक पे और यहाँ पे किंग पे भी और d5 पॉन पे भी। अगर ब्लैक रिप्लाई देता है बिशप e7, इस पोजीशन में आपको लगता है कि सिंपल रुक मार देना चाहिए? नहीं, यहाँ पे व्हाइट तो गेम विनिंग है लेकिन अगर व्हाइट ने यहाँ पे रुक को मार दिया तो व्हाइट गेम लॉस हो जाएगा, जैसे कि क्वीन टेक्स h8 और सिंपल क्वीन ट्रैप होती है बिशप f6 से। लेकिन व्हाइट के पास विनिंग मूव क्या है यहाँ पे, नाइट इंटू d5 विद डबल अटैक ऑन नाइट ऑन c7 फोर्क और क्वीन टेक्स h8 और जो बिशप की f6 वाली प्लानिंग है वो भी यहाँ पे फेल हो जाती है, तो ये गेम भी व्हाइट के फेवर में हो जाएगी। लेकिन एक मूव आपको वेट करना पड़ेगा रुक मारने से पहले। लास्ट ट्रैप देखते हैं लेटविन काउंटर गैम्बिट की, उसके बाद नेक्स्ट टाइम मैं आपको बताऊंगा क्वींस पॉन काउंटर गैम्बिट की लाइन। तो दोस्तों सभी ट्रैप्स आपको पहले तो देख लेनी है और जो भी आपको सुटेबल लगे वो अपने हिसाब से ओपनिंग प्रिपेयर करनी है मेरे वीडियो देख के। चलिए देखते हैं लास्ट ट्रैप। ओके दोस्तों, लास्ट ट्रैप में ज्यादा तो कुछ है नहीं लेकिन आपको एक क्वीन कैसे मिलती है, e4 e5 f5 पॉन टेक्स, यहाँ पे क्वीन f6 और यहाँ पे d4, व्हाइट d4 करके उसे बचा सकता है नाइट को, लेकिन ब्लैक d6 करेगा, नाइट c4 और यहाँ पे पॉन टेक्स पॉन, बिशप e2, व्हाइट यहाँ पे वेटिंग करता है और कैसलिंग की तैयारी। अगर ब्लैक ने डबल अटैक के लिए क्वीन g6 किया तो यहाँ एक तो ब्लंडर है, हालांकि ऐसा जल्दी होता नहीं है लेकिन बिगिनर्स लेवल में डायरेक्टली जैसे आपने बिशप निकाला तो क्वीन से g2 पे डायरेक्ट थ्रेट
बहुत सारे प्लेयर दे देते हैं, तो इसका फायदा आपको मिल जाएगा। आपको ये मूव तो तुरंत ही दिख जाएगा, क्वीन बिशप टू एच फाइव और क्वीन क्वीन होती है, आराम से गेम जीत सकते हो। इसके बाद की वीडियो में और भी अलग अलग ओपनिंग्स की ट्रैप मैं आपको बताऊंगा, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। बहुत सारी ओपनिंग्स और बहुत सारी ट्रैप सीखने के लिए मेरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, बेल आइकॉन प्रेस करके रखें। हर एक दिन में आपको ऑल्टरनेट डेज में वीडियो मिलते रहेंगे। जल्दी मिलेंगे, जय हिंद जय गुजरात।